अगर साडा ये चैनल तुसी अजे तक सबसक्राइब नहीं कीता है तो इस नूं तुरंत स्क्रीन दे दिखाए अनुसार सबसक्राइब कर लो अते घंटी दे निशान नूं भी दबा दिओ ताकि जदों भी असी कोई वीडियो अपलोड करिए तां तुहानूं पता लग सके। नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाडा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डेयरी। देश विदेश के दर्शकों का इस विच स्वागत करते हैं ते शुरू करते हैं अज दा प्रोग्राम। पहला चोणवीआं खबरां। नतीश दा अस्तीफा, बीजेपी दी वापसी, एनडीए दे नाल सरकार बनाउणगे नतीश, अज चुकणगे सहुं। बिहार विच 20 महीने भी नहीं चली लालू नतीश दी दोस्ती। मोदी दे खिलाफ विरोधी धिर दी एकता नूं सब तो वड्डा झटका। दिल्ली विच आनंद मैरिज एक्ट इसे हफ्ते होएगा लागू। एक देश एक मजदूरी नूं मंजूरी, केंद्र सरकार दे किरत सुधारां वल पहल कदम। श्री हरिमंदर साहब विच इस्त्रियां नूं कीर्तन दी इजाजत दित्ते जाण दी मंग उठी। संजय सिंह मानहानी केस विच अदालत विच पेश होए कैप्टन सरकार ते सारे मोर्चियां ते नाकाम रहण दा दोष लाया। वक्खवादियां दी बेनामी जायदाद ते केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी ने आख्या राम मंदिर बनाने नाल भारत बनेगा ताकतवर। गुजरात तो राज्यसभा पहुंचने की तैयारी विच अमित शाह। हुण खबरां दी विस्तार। बिहार का महागठजोड़ पूरे देश विच विरोधी धिर दे लई रोल मॉडल बन गया सी ते आख्या जा सकता सी कि आस की किरण सी जिस दे जरिए उन्हां लोकां ने 2019 दे सुपने लए सन जिन्हां नूं लगदा सी कि इस राह ते चल के मोदी दे रथ नूं रोकिया जा सकदा है। लेकिन बिहार विच इस दा टुटना महज एक सूबे दी सरकार दे डिगण ते नहीं होया बल्कि विरोधी धिर दे सामने उन्हां दे सुपने भी टुट गए ने। महागठजुड़ दे टुटण तों बाद विरोधी धिर दा दोहरा नुकसान होया। एक तां इह कि गैर बीजेपी वोटरां विचकार साख कमजोर होई ते हुण अगे बनण वाले किसी महागठजुड़ ते सहजे ही विश्वास नहीं होएगा कि इह चलेगा या नहीं। दूजे पासे विरोधी धिर ने नतीश कुमार की शक्ल में ऐसा चेहरा गवा दिता है जो चंगे प्रशासन का प्रतीक है जिसकी ईमानदारी से कदे उंगल नहीं चुकी। राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की वधदी ताकत की एक वड्डी वजह यह मनी गई है कि उन्होंने मुकाबले जिहड़ियां दूजियां राष्ट्रीय पार्टियां उन्होंने कोल उन्होंने मुकाबले का राजनीतिक कद का कोई नेता नहीं। नतीश के अस्तीफे तो बाद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविख ही होएगा यह प्रश्न चिन्ह है। जेकर नतीश बीजेपी के नाल जाते हैं तो की फिर लालू बिहार की राजनीति में कमजोर हो जाएंगे जिस तरह 2004 तो 2015 विचकार वो लगातार कमजोर होंदे गए या फिर 1990 के दहाके की तरह इकले बिहार की राजनीति के धुरे के रूप में उभरेंगे जिस विच वो नतीश अते बीजेपी के नाल टक्कर लै सकन। नतीश कुमार के अस्तीफे से तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उन्होंने वधाई दिती। इससे राजनीतिक संकेत गया कि एनडीए में घर वापसी तय करने तो बाद उन्होंने एडा वड्डा फैसला लिया है। बिहार विच लालू अते नतीश की दोस्ती 20 महीने भी नहीं चल सकी। इस तरह 4 साल बाद बिहार विच बीजेपी की सत्ता विच वापसी होनी तय हो गई है। अज नतीश के नाल बीजेपी के 14 विधायक भी मंत्री अहुदे की सहुं चुकणगे। सुशील मोदी फिर डिप्टी मुख्यमंत्री बन सकते ने। देर रात बीजेपी के सहयोगी नाल नतीश ने सरकार बनाउण की तैयारी शुरू कर दिती है। राज्यपाल नाल मुलाकात करके अपना अस्तीफा सौंपया तो लालू यादव समेत पूरे विरोधी धिर ते जोरदार हमला बोलिया। तुहानू याद होना कि पिछले दिन ही CBI ने लालू अते तेजस्वी सने उन्हां दे परिवार के कई मैंबर खिलाफ भ्रिष्टाचार का मामला दर्ज किया सी। RGD ने कहा सी कि सारे दोषां का जवाब सही समय से दिता जाएगा। इस तों बाद दोनों दलों विचकार रौला रप्पा पैंदा रहा। बिहार विधानसभा विच सारे दलों की मौजूदा स्थिति अनुसार कुल 243 विधायक ने जिस विच 80 RJD पार्टी के ने ते जनता दल यूनाइटेड के 71 ने। कांग्रेस 27 का अंकड़ा इत्थे हासिल कर चुकी है। BJP के 53 ने ते 12 आजाद विधायक भी ने। नतीश कुमार ने लालू प्रसाद के नाल अपने संबंध तोड़ के BJP विच घर वापसी कर ली है। कल जिस तेजी नाल घटनाक्रम विच बदलाव आया उस पिछे सोची समझी रणनीति सी। अज सवेर तक दोने पक्ष महागठजुड़ सुरक्षित होने का दावा करते सन ते शाम हुंदिया BJP दे नाल जनता दल यूनाइटेड विधायक सरकार बनाउण दी तैयारी कर चुके ने। परदे दे पिछे जनता दल यूनाइटेड RJD विचकार राजनीतिक जंग चल रही सी। विधायकां नूं तोड़न दी कोशिश हो रही सी। इसे कोशिश नूं
असफल करदिया नतीश ने ना चाहुंदिया बीजेपी दे नाल तुरत जाण दा फैसला ले लिया। अस्तीफे का वड्डा असर राष्ट्रीय राजनीति ते पएगा। साल 2019 तो पहला प्रधानमंत्री मोदी अते बीजेपी खिलाफ विरोधी धिर एकता का सब तो वड्डा झटका मन्या जा रहा है। रूपनगर तो आम आदमी पार्टी के विधायक की सहायता नाल एक कंप्यूटर ऑपरेटर नूं रिश्वत लेंदिया फड़िया है। यह कंप्यूटर ऑपरेटर एक मरीज नूं उसका रिकॉर्ड मुहैया कराने 600 रुपए की रिश्वत मंग रहा सी। पंजाब सरकार के 58 सालों की सेवा मुक्ति तो बाद 2 साल के वाधे देने के फैसले को खजाना विभाग ने भावें रद्द कर दिता है। इस नाल मुलाजमान नूं सेवा मुक्ति दे 4,000 करोड़ की राशि का सरकार कोल कोई प्रबंध नहीं। इस फैसले नाल 31 जुलाई नूं पंजाब दे 15,000 तो वध कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। खजाना मंत्री का मनना है कि एक कर्मचारी नूं दित्ती जाने वाली तनखाह ते 4 नवे कर्मचारी भर्ती किए जा सकते हैं, लेकिन पंजाब सरकार लई हुण वड्डा सवाल यह है कि सेवा मुक्त किए जाने वाले अधिकारियों ते कर्मचारियों नूं उन्हां दे बणदे लाभां की राशि 4,000 करोड़ का प्रबंध कित्थों किया जाए। उधर दूजे पासे वख-वख विभागों विच ठेके ते काम कर रहे 60,000 कर्मचारियों नूं सूबा सरकार हाले तक पक्का नहीं कर सकी। इन्हां कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे जद्दी शहर पटियाला विच रोस रैली करन दा ऐलान किया ते दोष लाया कि विधानसभा चोणां तों पहलां कांग्रेस पक्के करन दा वादा कर चुकी है, पर सरकार बनन ते 5 महीने बाद भी पक्कियां नहीं कीता ते पिछली अकाली भाजपा सरकार ने भी इन्हां कर्मचारियों नूं लारे विच रख्या सी। जलंधर पुलिस ने नशे अते सुपारी किलिंग दे वख-वख मामलियां विच जसविंदर बिल्ला नाम दे गीतकार ते 12 लोगों को गिरफ़्तार किया है। इन्हां लोगों विच एक पंजाबी गीतकार ते एक पास्टर है। ये पास्टर कपूरथला विखे एक यूनिवर्सिटी की MA की पढ़ाई करता सी। नशियां खिलाफ़ शुरू की मुहिम तहत इन्हां दोषियों नूं गिरफ़्तार करके एक पिस्तौल 3 कारां ते मोटरसाइकिल भी बरामद किए ने। बठिंडा पुलिस ने कनिक गुप्ता कतल मामले की गुत्थी सुलझा ली है, जिसकी साजिश उसके पति ने सुपारी दे के अपनी पत्नी का कतल करवाया। 22 जुलाई नूं इसके घर में कतल होने तो बाद सारा कीमती समान ते सोना गायब सी। महिला के पति की शिकायत से अनिल गुप्ता खिलाफ मामला दर्ज किया। तफ्तीश में पता लग्या कि यह कतल उसे ने करवाया है। उसने अपने दोस्त राकेश कुमार नूं अपनी ही पत्नी के कतल लई 5 लाख रुपए की सुपारी दी, इस करके उसका कतल होया। राकेश कुमार की गिरफ़्तारी तो बाद उस कोलों सोना आदि बरामद हो चुका है। पुलिस ने दसिया कि अनिल गुप्ता चरित्र का ठीक नहीं सी ते उसकी पत्नी उसनों इस काम तो रोकती सी। नेंद्र कुग्यानवी वालों सत श्री अकाल करो प्रवान। टोरंटो तो खबर अनुसार शुक्रवार को दुनिया भर च रिलीज़ हुई फिल्म द ब्लैक प्रिंस नूं दर्शकों ने खुले दिल ते उत्साह नाल प्रवान किया है। टोरंटो तो प्रतीक सिंह की रिपोर्ट कहती है, सिख राज के आखिरी महाराजा दलीप सिंह के जीवन से बनी लगभग $50 लाख के बजट की इस फिल्म नूं अंग्रेजी ते पंजाबी दे विच भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, न्यूजीलैंड ते आस्ट्रेलिया तो अलावा कनेडा के 18 सिनेमाघरों च दिखाया जा रहा है, जिन्हों चो 7 सिनेमे कल्ले ओंटारीओ च नहीं। हुण तक दीआं रिपोर्टां मुताबक इसके सारे शो सॉल्ड आउट जा रहे हैं। पहले 3 दिनां च इसने 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। चंडीगढ़ तो खबर, कनेडा के पार्लीमेंट मैंबर रामेश्वर सिंह संघा का मार्कफेड के मुख्य दफ्तर च चंडीगढ़ च स्वागत करदिआं मार्कफेड के चेयरमैन अमरजीत सिंह समरा ने कहा कि कनेडा च वसते पंजाबी मार्कफेड के उत्पाद पसंद करते हैं। आने वाले समय च इसकी बरामद तेजी नाल लियांदी जाएगी। इस मौके मार्कफेड के प्रबंध निर्देशक हरशदीप सिंह ठिंद ने दसिया कि मध्य पूर्वी मुल्कों तो बाद कनेडा सोना ब्रांड के डब्बेबंद उत्पादा बासमती चावल सरों के तेल ते कणक दे आटे दा दूजा वड्डा खरीददार बन गया है। पंजाब के किसानों वालों कीतियां जा रही लगातार खुदकशियां नूं बंद करना चाहिए है, क्योंकि हुण सरकार अपने पुत्तां दीआं होर ज़्यादा अस्थियां नहीं चुक सकती। इसलिए उह किसानां नूं अपील करते हैं कि वह सिर्फ 1 महीना होर इंतज़ार कर लैन, क्योंकि इस तों ज़्यादा समा कर्ज़ा माफ़ी लई नहीं लगना। हमेशा ही सूबे की जनता सरकार के पुत्तां वांग हुंदी है। जदों किसान खुदकशी करते हैं तां सरकार नूं सब तों ज़्यादा अपने पुत्त दा दुख हुंदा है। यह प्रगटावा मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री पंजाब ने चंडीगढ़ च कर्जा माफ़ी लई बैंकर्स ते टी हक की कमेटी नाल मीटिंग तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कीता। मनप्रीत बादल ने दस्या कि बैंकर्स ते टी हक कमेटी वालों लगभग किसान दे कर्जा माफ़ी लई हर मसले ते विचार ते चर्चा कर ली है, इसलिए हुण ज़्यादा देर नहीं लाउणी। उन्होंने दस्या कि अज की मीटिंग च उन्होंने बैंकों नूं बेनती की सी कि सारे किसानों का डाटा दिता जाए जिहड़ा कि बैंक नहीं दे रहे। पटियाला तो खबर, कल आथणे साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ते साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने
पटियाला दे मोती महल विखे पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल मिलके उन्हां दी माता महाराणी महेंद्र कौर की मौत ते दुख प्रगट किया। सबका मुख्यमंत्री ते उप मुख्यमंत्री दे नाल सबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ते परमिंदर ढींसा MLA भी हाजिर सन। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दी पत्नी महाराणी परनीत कौर सने परिवार के होरना मैंबरां नूं भी बादल मिले। उन्हां नाल हमदर्दी प्रगटाई ते फोटो खिचाईआं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आगू ते केंद्रीय मंत्री विजय सांपला भी अकाली आगूआं नाल मिलके दुखी परिवार नाल दुख सांझा करन गए। प्रकाश सिंह बादल ने माता महिंदर कौर वालों भारत खासकर पंजाब के लोगों लिए एक सियासतदान ते एक समाज सेवका वजों पाए योगदान याद किया। बादल ने कहा कि राज माता नूं हमेशा ही अपने वक्त तो अगे चलन वाली औरत वजों याद किया जाता रहेगा, जिन्होंने लोगों के दिल च अमिट छाप छड़ी है। चेते रहे कि पंजाब के सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर सिंह बादल पहली बार मोती महल पुजे ने। पटियाला तो ही खबर, जेब कतरे मुख्यमंत्री रैश विखे माता महिंदर कौर के अंतम दर्शन मौके भी सरगर्म रहे। इस दौरान सिख बुद्धिजीवियों समेत कुछ होरना दियां जेबां कटियां गईयां। पंजाबी यूनिवर्सिटी नाल संबंधित डॉक्टर बलगार सिंह विद्वान जिहड़े उन्हां दा कहना है कि मोती महल चों राज माता की अंतम यात्रा की रवानगी मौके उन्हां दे खीसे चों किसे ने बटुआ कढ लिया, यानी बटुआ खसका लिया। बटुए 5000 रुपया सी, होर जरूरी दस्तावेज सन। पंजाबी यूनिवर्सिटी के बुद्धिजीवी डॉक्टर कुलवंत सिंह गरेवाल का भी परस कढ़िया गया, जिस 1600 रुपया तो होर कागज़ सन। स्थानक जिमखाना क्लब के सकत्र विपन शर्मा का 38,000 ते हिंदू सुरक्षा समिति के रजेश केर का 12,000 रुपए कढ़े गए। एक डॉक्टर का परस भी कढ़िया जा रहा है, जबकि एक पत्रकार ने परस कढ़दे व्यक्ति को काबू कर लिया। वह भीड़ का लाहा लैके भज गया। सब तो खतरनाक डर गई भाजपा पाश की कविता तो। खेतों के पुत पाश की कविता NCERT की पुस्तक चो हटाने की सिफारिश की गई है। चंडीगढ़ तो विश्व भारती की रिपोर्ट आई है। 19 वर्यां की उम्र जदों पाश ने पंजाबी कविता के मौजूदा सहजवादी स्वरूप उत्ते उंगल चुकी सी, तां एक स्थापित कवि ने उसकी कविता नूं सिर्फ लाल टाकी आख के रद्द किया सी। पर इस नौजवान कवि का हुंगारा कावक सी, मैथों ये आस ना रखियो कि मैं तुहाडे चगले हुए सवादां की गल करांगा। हुण किसी नूं यह समझ नहीं आ रही कि RSS विचारधारक दीनानाथ बत्रा दे उस सुझाव बारे की प्रतिक्रम दवे, जिस विच NCERT दी पाठ पुस्तक चो पाश्ती कविता हटाउण वास्ते कहा गया है। साल 2006 पाश्ती मशहूर कविता सब तो खतरनाक हुंदा है आदमी दे सुपनिआं दा मर जाणा ते सब तो खतरनाक हुंदा है मुरदे दा शांति नाल भर जाणा दे हिंदी अनुवाद नूं 11वीं हिंदी के पाठक्रम का भाग बनाया गया सी। वो एक पंजाबी कवि है जिसकी कविता NCERT की पाठ पुस्तक थां मिली है। बत्रा ने पाश तो अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के विचार, मिर्जा गालिब की कविता ते MF हुसैन की स्वै जीवनी दी टोकां नूं हटाउण लई कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा राहुल गांधी का हाल चाल। नवी दिल्ली तो ही खबर अनुसार देश के 14वें राष्ट्रपति के सहुं चुक समागम मौके संसद भवन के कंपलैक्स च प्रधानमंत्री मोदी ते कांग्रेस के उप प्रधान राहुल गांधी की मुलाकात हुई। सहुं चुक समागम तो पहला नवें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवाई लई प्रधानमंत्री अपने कमरे चो निकल के कंपलैक्स च आए। उस समय उत्थे राहुल गांधी केंद्रीय हाल वल जा रहे सन। मोदी ने राहुल गांधी नूं वेख्या तां रुक गए। उन्हां नाल हथ मिलाउंदे होए उन्हें कहा, किवें हो राहुल गांधी? तां राहुल ने दोवें हथ अगे वधा दिते ते मुस्कुराउंदिआं कहा, सर ठीक हाँ सर। इस तों बाद अपने रस्ते वल वध गए। चंडीगढ़ तो खबर, पंजाब के सरहदी ज़िले फिरोज़पुर के स्थित सैनीवाला बन तो रिसन कारण सतलुज का तकरीबन 400 क्यूसक पानी पाकिस्तान में जा रहा है। सिंधु जल समझौते तहत सतलुज के इस पानी से कानूनी भारत का अधिकार बनता है। सरकार के सूत्रों अनुसार सैनीवाला बन तो रिस रहे सतलुज के इस पानी 70,000 acres जमीन सिंजी जा सकती है। तो फसल उत्पादन से संबंधित कारोबारी कार्रवाइया के हिसाब न भारत को इस पानी तो सालाना 250 तो लैके 300 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद भी मिल सकती है। 1960 पाकिस्तान नाल हुए समझौते अनुसार पछमी हिमालय चो वगदे दरियावां सतलुज ब्यास ते रावी के पानिया ते पाकिस्तान च दाखल होने तो पहला सारा कंट्रोल भारत का दस्या जा रहा है। खबर, श्री अमृतसर साहब तो श्रोमणी कमेटी के सदन च पलेठे इजलास नूं चुनौती देने लई हरियाणा दे सिख आगू जगदीश सिंह चिंडा वालों पाई पटीशन पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिती है। आगू ने कहा है कि वह इस फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट विच चुनौती देंगे। भारत की राजधानी दिल्ली में जल्द ही सिख परिवारों के विआह शादी आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे। 2012 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने आनंद मैरिज बिल नूं पास किया। इस तों बाद सारे सूबे नूं इस नूं लागू करने लई कहा।
हरियाणा ते पंजाब विच ए एक्ट लागू हो चुका है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा कि आनंद बैरज एक्ट नू लागू कराने लई दिल्ली दे उपराज्यपाल नाल मिले सन। लैफ्टिनेंट गवर्नर दे दफ्तर तो फाइल डिविजनल कमिश्नर नू भेजी गई है, जिथे मंजूर होने तों बाद फाइल हुण सैकटरी कानून दे कोल जाएगी। एक दो दिनों विच इस फाइल नू पास करन तों बाद लैफ्टिनेंट गवर्नर नू भेज देणगे, जिस तों बाद एल जी दी मोहर लगदिआं दिल्ली विच आनंद मैरिज एक्ट लागू हो जाएगा। हरियाणा सब तो पहला सूबा सी जिथे आनंद मैरिज एक्ट 2012 नू पास किया। इस तों बाद पंजाब विच बादल सरकार ने इस नू पास किया। सिख भाईचारे की मांग रही है कि दिल्ली विच भी इस नू लागू किया जाए, जदों संसद अते राष्ट्रपति ने इस बिल नू पास कर दिता गया सी। सिख धर्म विच विआह नू आनंद कारज किया जाता है। आनंद कारज के लिए लगन मुहूर्त शगन अपशगन नक्षत्रां की गणना जन्म पंत्रियां दे निर्माण अते मिलान दे लई कोई जगह नहीं। परमात्मा ते विश्वास रखने वालियां लई आनंद कारज दे लई सारे दिन पवित्र मन्ने गए ने। आनंद कारज विच सिख भाईचारे दे विआह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच चार फेरे जां चार लावां लेके पूरे किए जाते हैं। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि देश दीआं सड़कां ते बिना ड्राइवर वालियां कारां भज्जन। नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मंत्री ने आख्या कि आटोमोबाइल कंपनियां नूं भारत विच बिना ड्राइवर वालियां कारां उतारन की इजाजत नहीं होएगी। अजिहियां कारां आउण ते भारत विच ट्रांसपोर्ट सैक्टर विच जुड़े करीब 22 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक पासे तां सरकार भारत नूं विकसित देश बनाउण दा सुपना देख रही है, दूजे पासे एक आधुनिक तकनीक का रस्ता रोक रही है। जिथों तक बिना ड्राइवर वालियां कारां की गल करिए, दुनिया भर के आटोमोबाइल माहरां ने बहुत सोच समझ के इस ते काम करन दा फैसला कीता है। उन्हां दा मनना है कि इस विच कई समस्यावां हल हो सकदियां। सब तो पहला तो इस नाल ड्राइविंग दे तनाव तो मुक्ति मिलेगी। व्यक्ति अपनी यात्रा समय पढ़न लिखन जरूरी गल्लां करन जां मनोरंजन करन विच बतीत कर सकदा है। उन्हां लिखिया कि 90% दुर्घटनावां मनुखी गलती करके होंदियां। बिना ड्राइवर तो कारां दुर्घटनावां विच कमी लियाएगी, सड़कां तो ये जाम तो मुक्ति मिलेगी। सब तो पहला गूगल ने चालक रहित कारां दा तजर्बा शुरू किया सी, लेकिन हुण टैसला मोटर GM अते फोर्ड वर्गियां कंपनियां इसे दिशा विच अगे वध रहियां। हाल विच इस दौड़ विच ओबर भी शामिल हो गई है। भारत दीआं वड्डीआं IT कंपनी इनफोसिस ने पिछले दिन एक ड्राइवर लैस कार बनाई। अमरीकी माहरां दे अनुसार करीब 8 साल के अंदर ऐसे कारां दी विक्री शुरू हो जाएगी। जाहिर है कि भविष्य विच बिना ड्राइवर तो ही कारां होणगीआं। अजे विच भारत हथ ते हथ धर के बैठा रहेगा, ये गल ठीक नहीं। इस कारण इस दौड़ तो बाहर नहीं होया जा सकता, क्योंकि भारत कोल ढांचे की भावें कमी है, लेकिन एक बेहतर ते मजबूत सड़क ढांचा तैयार करन दे लई लोड़ दित्ते जोर दिता जा रहा है। बिना ड्राइवर कारां नूं लैके सरकार अपने फैसले ते फिर तो विचार करेगी या नहीं, ये सवाल सारयां दे चेहरयां ते है। मोदी सरकार ने GST दे रूप विच एक देश एक टैक्स तो बाद देश भर विच एक मजदूरी दे सुपने नूं सच करन वल कदम वधाया है। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने पूरे देश विच इको दी बराबर घट्टो घट्ट मजदूरी लई नवां जाबते की मंजूरी दिती है। घट्टो घट्ट मजदूरी वधानक अधिकार बनाया जाएगा। हुण कोई भी सूबा इस तों घट्ट मजदूरी तय नहीं कर सकता। संसद दे इसे सैशन विच इसे संबंधी बिल नूं पास करन लई पेश कीता जाणा है। इस दे कानून बनदिआं 4 करोड़ कामियां नूं फायदा होएगा। सूबियां दा इह अधिकार होएगा कि वह चाहे तां केंद्र दे इस कानून विच तय मजदूरी तों ज़्यादा भुगतान कर सकते ने। घट्टो घट्ट मजदूरी दे इह कानून सारे किरतियां ते लागू होएगा। हुण 18,000 रुपया मासिक तनखाह वालियां ते घट्टो घट्ट मजदूरी दा कानून लागू हुंदा है। अमृतसर दे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे नाल खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन नूं बादल सरकार वल्लों खालसा यूनिवर्सिटी दे तौर ते दित्ती गई मानता नूं कैप्टन सरकार ने रद्द कर दिता है। सूबा सरकार दे उच्च सिक्ख्या विभाग दे रजिस्ट्रार वल्लों भेजी गई चिट्ठी विच इह जानकारी दित्ती है कि खालसा यूनिवर्सिटी नूं मानता खत्म कर दित्ती ते उस दे अधीन आउण वाले कॉलेजां नूं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे अधीन कर दित्ता गया है। पंजाब विच कांग्रेस दे सत्ता विच आउण तों बाद लोक आटे दे नाल दाल दी उम्मीद कर रहे सन। कांग्रेस ने इस तों एक कदम अगे वधा के आटा दाल नाल चाह पत्ती अते खंड देण दा वादा कीता। बजट विच प्रबंध भी कर दिता, लेकिन चाह दी पत्ती अते खंड तां दूर लोकां नूं दाल तक नहीं मिल रही। नवीं सरकार दे कार्यकाल विच खुराक सुरक्षा एक्ट तहत राशन वंड प्रोग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन इस नूं देख के लोकां दीआं सारियां उम्मीदां टुट गईआं। 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब नाल एक व्यक्ति नूं 5 किलो कणक दिती जांदी है। लोकां नूं 6 महीने 30 किलो कणक दा बैग दिता जा रहा है। पंजाब विच खुराक सुरक्षा एक्ट के तहत करीब 33 लाख परिवारों नूं सस्ता राशन मुहैया करवाया जाता है। केंद्र सरकार इस एक्ट तहत सिर्फ 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब नाल कणक दिंदी है।
अमरीका ते कनेडा विच रह रहे सिख भाईचारे ने श्री हरिमंदर साहब विच बीबियां दे शब्द ते कीर्तन गायन करन ते पाबंदी हटाउण दी मंग कीती। उन्हां आख्या कि सिख पंथ नूं मजबूत करन विच बीबियां दी अहम भूमिका दी पहचान दिवाउण लई उन्हां नूं इजाजत दित्ती जावे। पंजाब डायरी विच अज दे प्रोग्राम लई बस इन्ना ही, मिलदे हां कल, सत श्री अकाल।